एयरलाइंस की ताजा तरीन खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की जितनी भी खबरें आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि यहां पर विस्तारा की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है, साथ ही लुफ्ताना की तरफ से भी ऑफिशियल अपडेट जारी हो चुका है, जिसमें रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर भी बड़ा फैसला है। साथ ही देश विदेश की एयरलाइंस की तरफ से भी अपडेट नोटिफिकेशन निकालते हुए आप सभी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी जारी की है। साथ ही बहुत सारी एयरलाइंस कंपनी ने जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उनकी तरफ से अथॉरिटी की तरफ से बड़े अपडेट जारी किए हैं। सारा कुछ डिटेल से बात करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहां पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर आप सभी के लिए निकल के आ रही है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पर जर्मन की जो एयरलाइंस कंपनी लुफ्ताना की तरफ से। दरअसल आपको बता दें, यहां पर बताया कि लुफ्ताना अपनी फ्लाइट को इंक्रीज करना चाहती है और नए नए देशों को शामिल करना चाहती है। दरअसल आपको बता दें, भारत के साथ एयर बबल एग्रीमेंट हो चुका है जर्मनी का, जिसके चलते यहाँ पर फिलहाल में बहुत सारी फ्लाइट चल रही है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर 16 और देशों के साथ लुफ्ताना अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, जहां पर सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मालदीव, यूएई, कतर, अफगानिस्तान, बहरीन, जापान, नाइजीरिया, केन्या, इराक, भूटान, यहाँ पर वापस से फ्लाइट ऑपरेट करने वाले लुफ्ताना। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, हरदीप सिंह पुरी का बीते कल इंटरव्यू हुआ, जिसमें उसको क्वेश्चन पूछा गया इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जो एयर बबल एग्रीमेंट चल रहा है वो मार्च अप्रैल तक ऐसे ही चलेगा, उसके बाद ही हम रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का फैसला। एक ये बुरी खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो एयर बबल एग्रीमेंट है वो मार्च अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिलहाल में नहीं चलेगी। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है बेंगलुरु एयरपोर्ट से। दरअसल आपको बता दें, बेंगलुरु जहां कैंप गोड़ा एयरपोर्ट है, वहां से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो खुशखबरी साबित हो सकती है। दरअसल आपको बता, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पर बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, यहां पर रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ाने जल्दी से आपको देखने को मिलेगी। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है विस्तारा से। दरअसल आपको बता दें, यहां पर विस्तारा ने अपने प्लान को इंक्रीज कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, विस्तारा जल्दी बहुत सारे देशों के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट को एक्सटेंड करना चाहती है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से। दरअसल आपको बताया, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी हो चुका है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि फिलहाल में 60% ऑफ रही है, जितनी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है 60% हो रही है, भले वो वंदे भारत मिशन एयर बबल एग्रीमेंट की हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा, बीते जो नेक्स्ट 10 डेज है, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज में 75% फ्लाइट को इंक्रीज कर दिया जाएगा एज पर नोटिफिकेशन। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है डिजिटल कोरोना पासपोर्ट को लेकर। दरअसल आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि जल्दी एक डिजिटल कोरोना वायरस पासपोर्ट ऐप लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप इंटरनेशनल फ्लाइट में अगर ट्रैवल करते हैं तो आपका COVID-19 का टेस्ट डिजिटल तरीके से हो जाएगा। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के ब्रैंडली एयरपोर्ट से, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। दरअसल आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि 40 साउथ वेस्ट डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने वाली है, वो भी नॉनस्टॉप। जी आपको बता दें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि नॉनस्टॉप 40 साउथ वेस्ट डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने वाले, जल्दी आपको इसकी फ्लाइट का शेड्यूल वगैरह देखने को मिलेगा। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल कर रही है, जो भी कोलकाता से लंदन जाना चाहता था, लंदन से कोलकाता आना चाहते हैं, उन सभी के लिए। दरअसल आपको बता दें, जो भी यहाँ पर रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का इंतजार करे, तो बताया जा रहा है कि जो कोलकाता तथा लंदन में डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट होगी वो मार्च तक ऑपरेट होने लगेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है मुंबई एयरपोर्ट से। दरअसल आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि डोमेस्टिक फ्लाइट में इंक्रीज कर रही है 50%। दरअसल आपको बता दें, यहां पर बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट जल्दी 50% अपनी फ्लाइट को इंक्रीज करने वाला, जितनी फिलहाल में फ्लाइट चल रही है उसमें 50% बढ़ोतरी की जाएगी। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है कनाडा से। दरअसल आपको बता दें, कनाडा की जो मेजर एयरलाइंस कंपनी है, उन्होंने फ्री COVID-19 हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए। जो भी कनाडा में ट्रैवल करते हैं वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए निकल के आ रही है, अगर आप कोची से दोहा, मंगलोर, कोची जाना चाहते हैं तो 6 अक्टूबर को आपकी फ्लाइट ऑपरेट होगी वंदे भारत मिशन को लेकर। तो यहां पर आप बुकिंग कॉल सेंटर तथा नियर बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जाकर तथा ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना टिकट बुकिंग करवा सकते हो। तो यही थी आज की बड़ी अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही अगर चैनल पर पहली बार पधारे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, लव फ्रॉम माय साइड।